के अंदर देर आर थ्री मेन कोरोनरी आर्टरीज, तीन खून की बड़ी नसें हैं जो हार्ट को खून सप्लाई करती हैं, जो जिसकी मेरे पास फोटो इमेज नहीं है वरना मैं दिखा देता। एनीवेज आई शुड हैव प्रिपेयर्ड बट आई हैवेंट, बट एनीवेज सो ये ही इस बीमारी को अगर तीन में से बड़ी बड़ी तीन खून की नसें उनमें किसी में भी ब्लॉकेज आ जाए, क्लॉट आ जाए, तो उसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिससे कि हो जाता है हार्ट अटैक। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी कोरोनरी आर्टरीज में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कोरोनरी आर्टरीज में, लेकिन फिर भी आपके हार्ट में डैमेज हो रहा है, अटैक हो रहा है, दैट कैन मीन कि आपके माइक्रोवेस्कुलर मतलब आर्टरीज जाती हैं, छोटी होती जाती हैं, छोटी होती जाती है, छोटी होने बड़ी आर्टरी गई, बड़ी आर्टरी में से दो आर्टरी निकली, दो में से चार निकली, चार में से पांच निकली, छोटा 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 होता गया, एंड दिस बेसिकली बिकम समथिंग लाइक, हाँ, इवन इफ आई डोंट हैव, इवन इफ आई डोंट हैव दिस, आई कैन स्टिल गिव यू अ पिक्चर, राइट? पिक्चर तो बना के दे सकते हैं। सो मान लीजिए कि हार्ट के अंदर से, ये हार्ट है, मान लीजिए हमने बढ़िया वाला हार्ट बना दिया, और हार्ट के अंदर ऐसे ऐसे दो पार्ट है, चार पार्ट हार्ट के आगे, आपको पता नहीं इमेज दिख रही कि नहीं दिख रही, दिख रही कि नहीं दिख रही, आई हैव नो आइडिया। सो द पॉइंट इज कि हार्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और हम बात कॉन्सेंट्रेट करें आर्टरीज में, तो आर्टरी यहाँ से जाती है, एक आर्टरी दो में डिवाइड होती है, समझ लीजिए तीन में डिवाइड होती है, तीन आर्टरी मेन बनती है, उसके बाद आगे जाएंगे तो आगे जाके इसमें से और तीन में से बहुत सारी बनती है, इसमें से और बहुत सारी बनती है, इसमें से और बहुत सारी, आई दिख नहीं रहा, तो बहुत सारी छोटी छोटी बनती है, तो ये छोटी छोटी आर्टरी बहुत ज्यादा छोटी 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 आर्टरीज बन जाती है। तो मतलब ये है कि एक खून की नस बहुत छोटी छोटी नसों में तब्दील हो जाती है, और ये माइक्रोवेस्कुलर माइक्रोवेसल्स में चली जाती है, और उन माइक्रोवेसल्स में भी स्पाजम हो सकता है, उसमें भी ब्लॉकेज हो सकता है, उसको कहते हैं कार्डियक सिंड्रोम एक्स, यानी माइक्रोवेस्कुलर डिजीज, यानी उसको और भी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कोरोनरी हार्ट डिजीज कहते हैं। इसमें भी सेम रिस्क फैक्टर है आपका, वही आर्थरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, वही स्मोकिंग, वही सिगरेट बीड़ी तंबाकू, वही शुगर डायबिटीज, और आपका इनएक्टिव लाइफस्टाइल, मोटापा, हेरिडिटी, आपके अनहेल्दी डाइट, आपका ओल्ड एज, यही सारी चीजें, फैमिली हिस्ट्री, यही सारी चीजें आपकी इसमें भी रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर इस ये सब आपको है तो ये भी, इसका भी रिस्क आपको ज्यादा हो जाएगा। फीमेल्स में थोड़ा सा ज्यादा होता है, मीनोपॉज के बाद थोड़ा ज्यादा होता है, स्ट्रेस जिसको ज्यादा होता है उसको ज्यादा होता है ये माइक्रोवैस्कुलर कार्डियक सिंड्रोम एक्स। याद रखिए इसमें मेन आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज नहीं है, तो कोरोनरी एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी नॉर्मल आएगी, और स्टंट नहीं लगाया जा सकता क्योंकि भाई ब्लॉकेज ही नहीं है, तो स्टंट लगाओगे कहाँ, ब्लॉकेज है नहीं, माइक्रोवेसल्स में स्टंट नहीं लगता, सो बचेगा क्या, दवाई ही बचेगी, ऑल यू कैन डू इज गिव मेडिसिन। सिम्टम क्या होगा भाई, सेम सिम्टम होगा, आपको छाती में दर्द होगा, आपको माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना, पसीना आएगा, आपको घबराहट होगी, आपको आपको हर चीज वो जो हार्ट अटैक में होती है वो हो सकता है, आपको फटीग, लैक ऑफ एनर्जी, पसीना, स्लीप प्रॉब्लम, कभी कभी कुछ नहीं सिर्फ सांस फूलता है, सांस फूलता है, ऐसा भी होता है। आप आओगे तो हार्ट अटैक ईसीजी में चेंजेस आएंगे हार्ट अटैक वाले, आपके ट्रोपोनेंस हार्ट के जो बीमारी अटैक वाली चीजें वो भी पॉजिटिव आएंगी, आपके अंदर इवन जो इकोकार्डियोग्राफी में भी दिक्कत आएगी, और अल्टीमेटली आपका एंजियोग्राफी किया जाएगा लेकिन एंजियोग्राफी नॉर्मल आएगा। एंजियोग्राफी नॉर्मल, हार्ट में डैमेज, हार्ट का एक हिस्सा काम नहीं कर रहा, हार्ट कमजोर हो गया, दैट इटसेल्फ मींस कि देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? आइदर उसमें और भी पॉसिबिलिटी होती है कि हार्ट की मसल्स को कोई इन्फेक्शन हो गया, मायोकार्डाइटिस हो गया, हार्ट की इन्फेक्शन मसल को, कहीं टेकिकार्डिया इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी, दूसरी किसी भी रीजन से कार्डियोमायोपैथी होगी, बट देन अगर हमें श्योरिटी है कि वो एक एंजाइनल अटैक है एक प्रेजेंटेशन के हिसाब से, देन वी कैन गिव अश्योरेंस कि वो एक क्या है, सिंड्रोम एक्स, माइक्रोवेस्कुलर डिजीज है। उसको कंफर्म करने के लिए एमआरआई स्कैन किया जा सकता है, जिसमें पता चलेगा कि वहां पे जाने वाला ब्लड फ्लो है वो उतना जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर बड़ी बड़ी नसें ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा कोने में जाके अल्टीमेटली ब्लड फ्लो कम जा रहा है, देन वी कैन स्टिल से कि दिक्कत है, राइट? इसमें एक्चुअली डायग्नोसिस के लिए बहुत सारे स्टेटस इंडेक्सेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बट देन दैट्स नॉट समथिंग व्हिच यू यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो हमारा काम है। आपको ये समझना है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अल्टीमेटली मेन ट्रीटमेंट आपका, वही मेन ट्रीटमेंट आपका रिस्क फैक्टर्स मैनेजमेंट है, कोलेस्ट्रॉल कम करना, एंटी थ्रोम्बोटिक क्लॉट खून
खून पतला करने की दवा देनी, मेडिकेशंस चलेगी आपके क्लॉट को बनने के लिए और इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए, फिर नाइट्रोग्लिसरीन खून की नसें खोलने की दवाएं चलेंगी, ये सब चलेगा। जो हार्ट अटैक में चलता है वही चलेगा मेडिकल मैनेजमेंट। प्रिवेंशन, इसका कोई खास प्रिवेंशन नहीं है, आपको लाइफस्टाइल चेंजेस रखने हैं, आपको सारे रिस्क फैक्टर मैनेज रखने हैं, सही तरीके से जीवन जीना है, तो आप कोशिश करके इस बीमारी को प्रिवेंट कर पाएंगे। किसको होगी किसको नहीं होगी कोई नहीं जानता, लेकिन आप अपने रिस्क फैक्टर कम करके अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। सो ये है बेसिक कार्डियक सिंड्रोम एक्स। बिना हार्ट अटैक के हार्ट अटैक, बिना ब्लॉक आर्टरी के ब्लॉक के हार्ट अटैक हो रहा है, माइक्रोवैस्कुलर डिजीज है, दवाई ही खानी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। आपके के एंजियोग्राफी नॉर्मल आएगी, बाकी सारे टेस्टों में पॉजिटिव आएगा, दवाई ही खानी पड़ेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट माइक्रोवैस्कुलर डिजीज।